वक्त मैं अगर कहूँ कि 2021 has been the best year for the test team of India. India और ऑस्ट्रेलिया की जो दो टीमें हैं ना, ये सब बेस्ट क्रिकेट में. बड़ा स्टेज आया वहां पे, आगे फुस करके ऐसे फूंक निकल गई जैसे कभी वो, मैंने कहा था सुबह गुब्बारे में ना हवा भरे, ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर, और जैसे ही हवा निकलती है पी करके नीचे आ गया. Right. जिस तरह परफॉर्मेंस हुई, मतलब शुरू हुआ सिलसिला गाबा से और गाबा से सेंचुरियन तक, लाइक कॉन्करिंग एवरी फोर्ट्रेस दैट केम इन देयर वे. तरह से इंडिया का जो बॉलिंग अटैक है ना, वो जितना जबरदस्त खेल रहा है, वो बुमराह हो, शामी हो, सिराज बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं. तो इंडिया ने एक बार फिर अंडर 19 का एशिया कप का जो चैंपियन बना है 8वीं बार, और कमाल की कंसिस्टेंसी है यार, कमाल की. बाकी डोमिनेट किया है, कल भी आपको बताया था कि जनाब जीतना चाहिए इंडिया को, तगड़ी टीम है. और नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुपर पावर इंडिया न्यूज. दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पाकिस्तान मीडिया की लेटेस्ट डिबेट. तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें. तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं. इस तरह साउथ अफ्रीका का इंडिया का टेस्ट मैच हुआ सेंचुरियन में, और 211 रन स्कोर करने थे यहाँ पर साउथ अफ्रीका को इस मैच में कामयाबी के लिए, लेकिन इंडिया यहाँ पे इस टेस्ट मैच को जीतने में कामयाब हो गया. चौथी कामयाबी है जो साउथ अफ्रीकन सॉइल पर इंडिया ने टेस्ट मैच में हासिल की है. और अगर ओवरऑल देखें तो 15-15 दोनों की विक्ट्री हो चुकी है. 15 टेस्ट मैचेस साउथ अफ्रीका जीता है, 15 टेस्ट मैचेस जो है इंडिया जीता है. तो आप एक्सपेक्ट कर रही थी कि यहाँ पे 211 रन अपनी सॉइल्स पे नहीं कर पाएगी इंडियन बॉलिंग के सामने साउथ अफ्रीका, या आपके लिए भी थोड़ी सी अपने जो है उनको फुली इस्तेमाल किया विराट कोहली ने. और टीम देखिए, असल बात होती है टीम की, कि वो जो प्लेयर्स हैं वो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलने के काबिल हैं या नहीं है, उस प्रेशर को कैसे हैंडल कर सकते हैं कहाँ, तो ये सारी चीजें से, यही चीज अगर आप साउथ अफ्रीका पे इस वक्त प्रेजेंट टीम पे अप्लाई कर लें तो वो वहां पे लैग करता हुआ नजर आता है. जो डीकॉक हैं वो इतने अच्छे प्लेयर थे जब उनका आगाज हुआ था, तो वह बड़ी अग्रेसिव खेलते थे, अब उनको हम एडमायर भी करते थे, लेकिन ग्रेजुअली हम देखते हैं कि अब उस तरह से चीजें नहीं चल रही साउथ अफ्रीकन क्रिकेट में भी जैसे कि इम्प्रूव होनी चाहिए थी. उनमें भी जाहिर है कि वो ट्रांजिट पीरियड एक चल रहा है, नौजवान आ रहे हैं, सीनियर सारे निकल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, ये हर टीम को ये फेस करना पड़ता है. लेकिन ये मानने वाली बात है कि इंडिया की टेस्ट टीम जो है वो चंद बेहतरीन टीम हो. इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो दो टीमें हैं ना, ये सब बेस्ट क्रिकेट में. साउथ अफ्रीका वर्सेज इंडिया, इस वक्त मैं अगर कहूँ कि 2021 has been the best year for the test team of India. Right. जिस तरह परफॉर्मेंस हुई, मतलब शुरू हुआ सिलसिला गाबा से और गाबा से सेंचुरियन तक, लाइक कॉन्करिंग एवरी फोर्ट्रेस दैट केम इन देयर वे. देखिए, इंडिया इस वक्त आई थिंक इनकी रेड बॉल क्रिकेट जो है, जैसे हमने बात की व्हाइट बॉल में, येस दुनिया की सबसे बड़ी लीग होती है, सब कुछ होती है, बट इंटरनेशनल लेवल में दे हैवन बीन एबल टू विन एनी थिंग सिंस द, आई थिंक आज से 8 साल पहले ये चैम्पियंस ट्रॉफी बहुत ही मुश्किल कंडीशन में जीतने में कामयाब हुए थे. हमें देखना पड़ेगा, गैबा की विक्ट्री वॉज एक्स्ट्रॉडनरी बिकॉज एक डिप्लीटेड इंडियन साइड ने ऑस्ट्रेलियन टीम को शिकस्त दी थी. गैबा उनका एक फोर्ट्रेस रहा है, उनका किला रहा है उनका. फिर इस साल उन्होंने लॉर्ड्स में और ओल में, लंदन के दोनों टेस्ट मैचेस में इंग्लैंड को शिकस्त दी थी, एंड देन सेंचुरियन सी. लेकिन मैं इन तमाम मैचेस में सवेरा सेंचुरियन को ज़रा डिफरेंट अंदाज से देखता हूँ. इंडिया की टीम जहाँ अपनी पूरी स्ट्रेंथ पे खेल रही थी, दे हैड देयर बेस्ट पॉसिबल टीम अवेलेबल इन प्लेइंग. This is not the South African team that we know of. South Africa की क्रिकेट भी, और आपने उसका फौरन एक रिजल्ट भी ये देखा कि क्विंटन डी कॉक सेड कि भाई मैं टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो रहा हूँ. अगर एक चीज जो अदील, जो मैं जिसको, जिस पे मैं कमेंट करना चाहती हूँ, जिस पे मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ, इंडिया विनिंग बाय बिकॉज ऑफ देयर फास्ट बॉलर्स इज समथिंग दैट इज अ हाईलाइट. इस वजह से, बिकॉज इंडिया बैटिंग पावर हाउस या इंडिया में स्पिनर्स, वन ऑफ, हमें कोई फास्ट बॉलर्स अच्छे दिख जाते थे, इरफान पठान दिख गए, जहीर दिख गए, मगर इस वक्त देर इज अ पैक ऑफ फास्ट बॉलर्स
और इसका क्रेडिट मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा विराट कोहली को देना चाहिए, बिकॉज ट्रस्ट आपको दिखा कि जिस तरह अपने फास्ट बॉलर्स पर ट्रस्ट दिखा था सवेरा, देखिए वहाँ पे कुछ समझदार लोग थे BCCI में, दे डिसाइडेड दैट यार वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। सो आपको ये पता होगा कि MRF एकेडमी उन्होंने क्रिएट की थी, दे फाउंड अ स्पॉन्सर देयर MIRF व्हिच इज़ अ टायर कंपनी देयर, उन्होंने चेन्नई में ये एकेडमी बनाई। सो आप ये देखें कि जी उन्होंने उस वक्त ये डिसाइड किया था, इसमें कोई 5-6 साल में इनके पास कोई खास रिजल्ट निकल के नहीं आया, बट दैट्स वेयर द लॉन्ग टर्म प्लानिंग कम्स। इंडियन हॉकी की आप बात कर लें, इंडियन क्रिकेट की आप बात कर लें, उन्होंने जिस तरह ये थ्रू अ प्लान अब ये प्लेयर्स आ रहे हैं, जिस तरह जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी अंडर सो मच प्रेशर ही वॉज, और इस मैच में आके वो 9 विकेटें 8 विकेटें मेरे ख्याल से ले लेते हैं, सिराज को आप देख लें। अच्छा भैया पहले एशिया कप से स्टार्ट करें जी भाई जान, कंसिस्टेंसी है इंडिया की जनाब, देखें दो, एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और एक राइट आर्म, दोनों ने मिलकर 5 विकेटें 8 ओवर 3 मेडन 11 रन 3 विकेटें विकी की, और वो जो दूसरा इनका ऑफ स्पिनर है बच्चा वो मैं देख रहा था 23 रन देके 2 विकेटें। रिजवान साहब ये होता है कमाल की धमाल की परफॉर्मेंस, उड़ा के रख देना एक आपकी टीम है 78 पे 8 करा के 147 ठुकवा के खुद बुक होके फारिग हो। अच्छा ये देखिए कमाल की बात है, सीनियर टीम वन टी ट्वेंटी दे वर अनडिफीटेड इन द ग्रुप स्टेज, एज द नॉकआउट स्टेज स्टार्टेड ट्रेम्बल्ड पैक्ड एंड सेंट बैक होम। यही यू है अंडर 19 हमारी जूनियर जनाब इंडिया को हरा रही है, अफगानिस्तान को हरा रही है, फलाने को UAE को हरा रही है मर मर के, और उसके बाद जब बड़ा स्टेज आया वहां पे आके फुस करके ऐसे फूक निकल गई जैसे कभी वो, मैंने कहा था सुबह गुब्बारे में ना हवा भरे ऊपर ही ऊपर ऊपर ही ऊपर ऊपर ही ऊपर, और जैसे ही हवा निकलती है पी करके नीचे आ गया। तो ये है आपके गुब्बारे, बहुत बहुत मुबारक हो जी। इनका जो बच्चा है हरनूर, मैं देख रहा हूं रिजवान उसमें बड़ा अनफॉर्चुनेट था, फाइनल में वो नहीं चला, लेकिन ही इज द मैसिव मेगा स्टार। ये जो इनका वो अटैक कर रहा है बॉलिंग, ही इज अ मेगा स्टार। वो बैटिंग 10वें नंबर पे आ रहा है, वहां पे भी मार रहा है, बॉलिंग भी ऊपर अटैक कर रहा है, ये इनके स्पिनर्स हैं। तो देखिए दिस इज कॉल्ड माय डियर ब्रदर के जनाब, जब आपके पास इतनी लिबर्टी इतनी लग्जरी होती है देन यू एंजॉय एवरीथिंग। तो मेरा भाई बात ये है, अल्लाह करे इस साल हमारे यहां भी पाकिस्तान देखे दिल खुश हो जाएगा। सेमीफाइनल खेलना बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मैं नहीं कहता नहीं है, मैं वर्ल्ड T20 और ये दोनों की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर देखे ना रूल तो फिर एक होना चाहिए ना, दो रूल्स तो आप नहीं अप्लाई कर सकते ना। अगर आप कहते जी इंडिया की कोई अचीवमेंट नहीं है फाइनल और सेमीफाइनल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल के भी, तो भाई जान हमारी सेमीफाइनल खेलना कैसे अचीवमेंट हो सकती है।